आज मैं आपको मटन कलेजी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने जो सामग्री लिया वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम मटन की कलेजी ले लिया, उसे अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर लिया है। तड़के के लिए हमने जो सामग्री लिया वो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे तेजपत्ता ले लिया है, जीरा ले लिया है, कबाब चीनी ले लिया है, बड़ी इलायची ले लिया है, छोटी इलायची ले लिया है, लौंग ले लिया है और दालचीनी ले लिया है। मैंने गैस पे कुकर गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें तेल डाल दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने जो आपको तड़के के लिए सामग्रियाँ दिखाई थी वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम अपने तड़के को तैयार होने देंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो प्याज ले लिया था, जिसे इस तरीके से छिल करके कट कर लिया है। मैंने जो आपको तड़का दिखाया था वो तैयार हो चुका है। अब हम अपने कट किए हुए प्याज को इसमें डाल देंगे। अब मैं अपने प्याज को अच्छी तरीके से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक गांठ लहसुन को छिल करके ले लिया था, एक इंच अदरक ले लिया था और 6 हरी मिर्च ले ली थी। उन सबको इस तरीके से ईमानदस्ते में कूट करके इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैंने जो अपने लहसुन अदरक मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट बना के तैयार किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने अपने लहसुन अदरक मिर्ची के पेस्ट को अपने प्याज में डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। अब हम अपने प्याज को अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स करके पकाएंगे। मैंने अपने कलेजी को इस तरीके से मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे भी हम अपने प्याज और मसालों के साथ डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। इसे भी हमें अच्छे तरीके से चलाते रहना है। अब हम इसे पकने दें। अब मैं इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। मैंने इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स करके पकाएंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से चलाएंगे और पकने देंगे थोड़ी देर। मैंने इसे थोड़ी देर पका लिया था। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें सीटी लगा लेंगे। सीटी लग चुकी है। अब हम अपने कुकर को खोल करके चेक कर लेते हैं। हमारा मटन कलेजी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मेरा मटन कलेजी बनके तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।